नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश भर में कोरोना के 56,000 नए मामले, एक दिन में 904 मरीजों की मौत। बिहार में 64,00,000 बाढ़ पीड़ितों के लिए सिर्फ 17 राहत शिविर। कोरोना काल में दोहरा संकट, क्या मुफ्त पानी जनता का अधिकार नहीं? कोरोना संकट के बीच बेघर किए गए सैकड़ों लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार 6 अगस्त सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 56,282 नए मामले सामने आए। इसके अलावा देश भर में कोरोना से 904 मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 46,121 मरीजों को स्वस्थ किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 19,64,536 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में अभी तक 67.61% यानी 13,28,336 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण अभी तक 40,699 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5,95,501 हो गई है। ICMR द्वारा आज 6 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 2,21,49,351 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 6,64,949 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई। उत्तर बिहार के 16 जिले इस साल फिर से भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 64,00,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इनमें से 4.4 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह शरण देना पड़ रहा है। यह सब उस दौर में हो रहा है जब राज्य कोरोना के भीषण संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। इस भीषण बाढ़ की वजह से बेघर हुए 4.4 लाख लोगों को जहां ऐसे ठिकानों की जरूरत थी, जहां उनके भोजन आवास की न्यूनतम व्यवस्था तो हुई, कोरोना के संक्रमण से भी उनका बचाव हो सके, मगर राज्य सरकार ने उन्हें इस दोहरे संकट का मुकाबला करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है। पूरे राज्य में इस वक्त सिर्फ 17 राहत शिविर संचालित हो रहे हैं, जहां सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 17,916 लोगों को जगह मिल रही है। शेष 4,00,000 से अधिक लोग किस हाल में हैं, इसकी सरकार को कोई फिक्र नहीं। एक और जहां कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकारें लोगों से थोड़ी थोड़ी देर पर साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइज करने और सफाई करने की गुहार लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही दूर पर एक बड़ी बस्ती के लोगों की सबसे बड़ी आज समस्या जो है वह पानी है। सूखी सेवनिया की बड़ी आबादी प्राइवेट पंप से रोजाना 2 रुपये बाल्टी के हिसाब से पानी खरीदती है और अपना गुजारा करती है। इतनी गरीबी के बावजूद एक परिवार कम से कम 40 से 45 रुपए का पानी रोजाना खरीदता है ताकि अपनी रोज की जरूरतों को पूरा कर सके। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। अब वो सब साफ वही में नहाते हैं, वही पीने वाला वही सब है। 2,000 रुपये जमा करो, जब नल दे पाइपलाइन लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, रसीद कटवाओ। ये देखिए नल दिया है सरकार ने, उसमें पूरा काला कीचड़ पानी आता है। सर बहुत मुश्किल से हो रही है सर गुजारा, समाज में भीख मांग के खाना पड़ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर से 15 किलोमीटर दूर भोपाल विदिशा रोड पर करीब 3,000 से 4,000 लोग की एक बस्ती है सुखी सेवनिया। इस बस्ती में ज्यादातर लोग कचरा चुनने वाले, बंजारे, आदिवासी, मजदूरी करने वाले, हर छोटे बड़े काम करने वाले, यहाँ तक कि भीख मांगने वाले लोग भी रहते हैं। इस इलाके के लोगों की आज सबसे बड़ी समस्या है पानी। इतनी बड़ी आबादी प्राइवेट पंप से रोजाना 2 रुपए बाल्टी के हिसाब से पानी खरीदकर अपना गुजारा करती है। इतनी गरीबी के बावजूद एक परिवार कम से कम 40 से 45 रुपए का पानी रोजाना खरीदता है ताकि अपनी रोज की जरूरत पूरी कर सके। पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? मोल लेके ला रहे हैं। कितना लगाते हैं? मोल में मतलब 20 रुपए की एक टंकी भरते, 30 अब 40 की 30 की हो गई है। अच्छा, पहले 20 की थी, अब 30 की हो गई है। 2 रुपए डब्बा पानी खरीदते साहब, बाल्टी हो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, 2 रुपए मिलता भर के भर। सर भर पाछे पानी तो बहुत लगता है इंसान के घर में, बच्चे का घर है, वही में नहाते वही पीने वाला वही सब है। 25-30 रुपए का भरती हूँ पानी रोज के। अब दिन भर में तो सर देखो गर्मी का टाइम है, नहाना भी चाहिए धोना भी चाहिए, तो 60 रुपए का रोज का पानी हो जाता है हमारे। ये देखिए नल दिया है सरकार ने, उसमें पूरा काला कीचड़ पानी आता है। कहाँ पे दिखाइए? ये देखिए, आइए। जैसा नाले का गंद होता है ना, ऐसा पूरा पानी इसमें आता है। अच्छा, तो सर ये खर्चे के लायक भी नहीं। तो कितना दे रहता है ये? मतलब 5-10 मिनट के लिए देता है, मुश्किल से 4 कप्पा पानी भराता है। 15 मिनट में 8-10 डब्बा भरते हैं, बात खत्म। रोजाना? रोजाना अभी 8 दिन हुए ये बात के लिए। अच्छा। अभी रोजाना आ रहा है।
अबे पूरी गर्मी पूरी निकल गई, कहीं कोई नहीं बूंद पानी नहीं दिया साहब। अच्छा। नहीं टैंकर से खरीदो भैया जहाँ मिले। नल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? लगा ही नहीं इस गली में नल, पैसे जमा है हम लोग के 300-300 रुपए। अच्छा 2-2 हजार रुपए दो फिर कनेक्शन देंगे। कुछ लोगों ने दे दिए, कुछ लोगों ने नहीं दिया, जिनके पास नहीं अभी दे नहीं, किस्तों में दो। खुद बोले हम परसों गए थे 2000 रुपए जमा करो, जब नल दे पाइपलाइन लगेगी नहीं तो नहीं लगेगी, रसीद कटवाओ। लॉकडाउन में सर कुछ भी नहीं है, खाने पीने की भी बहुत दिक्कत है। लॉकडाउन में एक टाइम खा रहे हैं और एक टाइम भूखे रह रहे हैं। पानी पी एक टाइम एक दो गिलास पानी पीना है, वहाँ एक ही गिलास पानी पी रहे हैं। और इधर एक दो आदमी बीमार निकल आए थे तो बोले भैया टैंकर वालों भी मना कर रहे साहब, हम लोग कहाँ कहाँ से लाए पता नहीं है। ये पानी की दिक्कत ज्यादा है सर, हम अब क्या लॉकडाउन में कमाएंगे खाएंगे या पानी भरवाएंगे? सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली है? पैसा मिला है? तरफ से कोई मदद नहीं मिली है सर। 10-10 किलो चावल बांटे थे उन्होंने, कुछ नहीं मिला हम लोगों। काम आप जा ही नहीं रहे कहीं कहाँ से जहाँ सामने, गाड़ी घोड़ा नहीं चलते, ऑटो माटो सब बंद है। ये बनाते हम लोग ये, अब तो वो भी नहीं बिक रहा, कहाँ जाएंगे बेचने, लोग तो डंडे मार के भगा रहे। तो सरकारी खाना वाना नहीं मिला? कुछ भी नहीं है सर, हमारा खुद का गल्ला है वो भी नहीं दे रहे हैं सर। बहुत मुश्किल से हो रही है सर गुजारा, समाज जो भीख मांग के खाना बोल रही है। बस्ती में घूमने के बाद अंदाजा लगता है कि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने इनकी कमर तोड़ दी है। पानी की मार के साथ साथ अब यह भूखमरी की भी मार झेल रहे हैं। एक ओर जहां कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकारें लोगों से थोड़ी थोड़ी देर पर साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइज करने और सफाई रखने की गुहार लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़े शहर की राजधानी से कुछ ही दूरी पर एक इतनी बड़ी बस्ती के पास शौच के लिए भी पानी नहीं है। कोरोना की सारी गाइडलाइन यहाँ के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है। हरियाणा के गुरुग्राम में 600 परिवारों को नगर पालिका ने बेघर कर दिया है। ये सभी परिवार लगभग 25-30 वर्षों से गुरुग्राम के सिकंदरपुर इलाके में अरावली क्षेत्र में रह रहे थे। बेघर हो चुके निवासियों में से ज्यादातर या तो घरेलू कामगार हैं या निर्माण मजदूर हैं। ये तबका महामारी के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई। देखिए बेघर कर दिए गए इन परिवारों की दशा पर न्यूज क्लिक की एक खास रिपोर्ट। अब देखिए सर ये गिरादिये हैं, ये बनाने में भी 8,000-10,000 रुपया खर्च हो जाता है, 5-7-10 दिन समय लग जाता है आदमी को। ये सारी दिखते हैं ऐसे टाइम में चारने के लिए लोग तरस रहे हैं। बस्ती में करीबन 600 परिवार रहते हैं और लगभग 2,500-3,000 लोग बस्ती में रहते हैं। हमने वहाँ के लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि जो कमिश्नर म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब हैं उनका कहना है कि आप लोग गैर कानूनी रूप से यहाँ पर बसे हुए हो इसलिए आप लोग को हटाया जा रहा है। भैया कहाँ जाए, हमारा तो कोई भी नहीं, बेटा भी जवान मर गया, आदमी भी नहीं, मैं किसके सहारे जीऊँ या कैसे रहूँ, कहाँ जाऊँ, सर छुपाने की जगह रहो भी सरकार छीन ले रहा हूँ, कहाँ जाए, मेरे कोई नहीं आगे पीछे, दिहाड़ी कर करके किसी तरह मजदूरी करके खाए जी रहे, किसकी कमाई में कहाँ लेके जाए, कोरोना में कोई कमरा खाली नहीं दे रहा, दरवाजे नहीं खोल रहा, मैं किसका दरवाजा खटकाऊं। ये मैंने भी मना कर दिया कि हम नहीं सहायता कर सकते, चलो तुम्हें रैन बसेरा, कितना दिन हम रैन बसेरा में गुजारा करेंगे बताओ आप। भूखे प्यासे दो दिन से हम लोग दौड़ रहे, कोई सुनवाई नहीं हमारी, कहीं भी नहीं हो रही है, किसके पास जाए, जाओ हमको बताओ, हम वही जाते हैं। जब हमने बस्ती में देखा जो वहाँ पर जो नोटिस जो म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस ने लगाया हुआ था वो नोटिस वैध नहीं था। बस्ती के जैसे ही बस्ती में हम जाते हैं वहाँ पर बस्ती में पानी भरने की जगह है जहाँ से बस्ती के लोग पानी भरते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक नोटिस लगाया हुआ था। उस नोटिस में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि 24, 25, 26, 27 तारीख को बस्ती को वहाँ से तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और सभी व्यक्ति अपना सामान वहाँ से ले जाए। जो एनजीटी है, एनजीटी के ऑर्डर के अधीन वहाँ पर जो डेमोनस्ट्रेशन ड्राइव है वो चल रही है, लेकिन कहीं पर भी ना उस एनजीटी ऑर्डर का नंबर था, ना डेट थी, ना ही किसी अधिकारी के हस्ताक्षर थे, ना ही किस डेट पे वो नोटिस लगाया गया उसकी कोई जानकारी उसमें थी। यानी इससे पता लगता है कि वो नोटिस कहीं से भी वैध नहीं था, लोगों को किसी भी तरीके से वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये नोटिस की बात है। अब हम कानूनी बात करते हैं, अगर ये एनजीटी का ऑर्डर था, एनजीटी ने अगर ऑर्डर दिया था, जो पर्यावरण संबंधी जितने भी ऑर्डर एनजीटी देती है, जो
हरिओम है जो ज्वाइंट कमिश्नर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, वो कहते हैं कि एनजीटी के ऑर्डर, फरवरी के ऑर्डर में हमने लोगों को यहाँ से निकाला है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी कौन सी ऐसी ज़रूरत थी जो आपने जल्दबाजी में लोगों को निकाला? क्या आपकी मंशा लोगों को रिहैबिलिटेट करने की थी या नहीं थी? अगर रिहैबिलिटेशन करने की थी तो उनका रिहैबिलिटेशन कहाँ किया गया, क्या पॉलिसी है, और आपके पास वो कौन सा नोटिस है जिसके अंतर्गत आपने कार्रवाई की है? आपने मीडिया में बोला है लेकिन आपने कहीं पर भी इस चीज को नहीं लिखा है। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।